नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं ग्लिप्स डॉट इन। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया अपने नए अंदाज में नजर आए। प्रभारी बाबरिया ने चुनाव के पहले उन फूल छाप कांग्रेसियों पर निशाना साधा जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान होता है और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा से मिलकर काम करने वाले ऐसे कांग्रेसियों पर अब दिल्ली से नजर रखी जाएगी और ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में तेरा मेरा नहीं चलने वाला, पद के लिए किसी बड़े नेता की सिफारिशें भी नहीं चलेगी। यही बात टिकट की दौड़ में रहने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि भाजपा या दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को पार्टी में सीधे पद नहीं मिलेगा, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को ही पद दिया जाएगा। बाबरिया ने अपनी बैठक के माध्यम से उन नेताओं को संदेश देने की कोशिश की जो पार्टी में कमजोर नेताओं को पद दिलवाकर आगे बढ़ा देते हैं। कांग्रेस में अब एक नई व्यवस्था होने जा रही है जिसमें पद पाने वाले नेताओं को 25 बूथों की जिम्मेदारी निभानी होगी। लगातार पार्टी के जिम्मेदार पदों पर रहने वालों के संपर्क में रहना होगा ताकि ग्राउंड लेवल पर काम हो सके। भोपाल में हुई इस बैठक में प्रदेश प्रभारी के अलावा सहायक प्रभारी संजय कपूर, राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभा ओझा, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, प्रवक्ता के मिश्रा, प्रदेश सचिव राजेश चौकसे, प्रदेश महामंत्री अनिल यादव, मोती सी पटेल, प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा सहित सभी संगठनों के प्रमुख व पदाधिकारी मौजूद रहे। हाय नमस्ते, दिस इज नेहा वग्गा एंड यू आर वाचिंग ग्लिप्स न्यूज। हाय, मैं हूं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं ग्लिप्स चैनल मेरे साथ, सो कीप वाचिंग, लव यू गाइस। हाय, आई एम आलोक नरूला। और मैं हूं अंशु नरूला और आप देख रहे हैं ग्लिप्स न्यूज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.glips.in।